अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मैश्ड पोटैटोस विद स्पिनच विद बटर, और साथ में बना रही हूँ मैं पास्ता, जो हमारे घर में जिस स्टाइल से बनता है। सिंपली यही इंग्रेडिएंट है, दोनों रेसिपीज में चाहेंगे। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपीज पसंद आएंगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बटर चाहिए हमें, अगर आप चाहें तो व्हाइट बटर भी ले सकते हैं, और ये विदाउट सॉल्ट में यूज कर रही हूँ। साथ में आपको चाहिए सोया सॉस, साथ में चाहिए आपको ऑलिव ऑयल, स्वीट चिली सॉस, वाइट पेपर, थाइम एंड गार्लिक पाउडर। दूसरे इंग्रीडियंट्स में चाहिए आपको टोमेटो चाहिए फ्रेश, स्पिनिच मैंने ली हुई है, गार्लिक मैंने किया अब इसको मैं चॉप कर लूंगी, धनिया चाहिए फ्रेश, कोरिएंडर, अनियन ली हुई है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह हरी प्याज भी ले सकते हैं, मैंने व्हाइट प्याज ली हुई है। शेप आप अपनी जो पास्ता की है या अपने टेस्ट की जो आपको अच्छी लगती है उसके मुताबिक आप काट सकते हैं। साथ में मैं लिख रही हूँ चिकन स्लाइस, इसके अंदर हर्ब्स होते हैं, रेडीमेड में ये मिलते हैं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ पोटैटोज एंड पास्ता। पास्ता हमारा बॉइल्ड हो चुका हुआ है, ये इस शेप पे मैंने लिया हुआ है, और साथ में लिए हुए पोटैटोज, टू मीडियम साइज के मैंने पोटैटोज लिए थे, उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट दिया क्योंकि हमने इसको मैश करना है। पील ऑफ करके मैं पानी में बॉइल कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से बॉइल्ड आलू हो गए हैं, साथ ही इसी पैन के अंदर इसमें बॉइल करी थी, इसका पानी नहीं ड्रेन करके, और फिर मैं इसको मैश कर रही हूँ। ये देखिए पास्ता बॉइल हो चुका हुआ है, इसको मैंने ठंडे पानी से रिंस कर लिया हुआ है। अब मैं इसको कुकिंग के प्रोसीजर पे लेके जाती हूँ। चिकन के जो स्लाइस हैं ये देखिए इस तरह लिए हुए मैंने, इसको मैं इस तरह एक से कट कर लूंगा। अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी की शेप भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसमें स्लाइसिस में करूंगी जो पोटैटोस में भी जाएंगे, मैश पोटैटो विद बटर और पास्ता में। ये गार्लिक में चॉप करके डाल रही हूँ, इसके अंदर ज्यादा नहीं डालना, अगर आपकी टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा इसमें से डाल रही हूँ क्योंकि मैंने मैश पोटैटो उसमें भी डाला है, और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून, ज्यादा नहीं, साथ ही इसके डाल दूंगी बटर। बटर जब आप ऐड कर रहे हो तो ऑयल का इस्तेमाल वैसे भी कम से कम करें। इसको हल्का सा कलर चेंज करना है या इसकी खुशबू अरोमा आने लगे। ये आंच पे बनता है, ये डाल देंगे प्याज, जो प्याज काट के हमने रखी हुई है, प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। कलर क्या चेंज करना, बस इसके अंदर खुशबू आनी चाहिए। साथ ही हम टमाटर डाल देंगे ताकि इसके, मैंने ज्यादा इसको मैश नहीं करना, अगर आप चाहें तो इसकी टमाटर प्यूरीज भी डाल सकते हैं या फिर आप केचप भी डाल सकते हैं। इसको साथ ही हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर साथ ही हम डाल देंगे अपना पास्ता और केचप, थोड़ी सी मैं केचप ऐड कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे आपके घर में लाइक किया जाए तो व्हाइट सॉस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ज़रा केचप का मज़ा बहुत मज़ा आता है। इसके मुताबिक आप इसके अंदर प्लेन भी डाल सकते हैं, थोड़ी डाली है मैंने, ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मैटर्स का जो है वो अपना ही यूज होता है इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा चिकन, मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है, इस पर डाल देंगे। बाकी गार्निशिंग के लिए हम इसको थोड़ा सा और ऊपर डालेंगे, इसमें से किया ताकि सारे हर्ब्स जो है मिक्स होते हैं। पेपर, वाइट पेपर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए थोड़ा कम डालें, और साथ में डाल देंगे इसके अंदर थाइम। टाइम आप थोड़ी लें अपने टेस्ट के मुताबिक, जिस तरह आपने लिया इसको रफ करके और इस तरह मिक्स कर, इसका अरोमा बहुत मजेदार आता है, बहुत अच्छी से खुशबू आती है। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, गार्लिक ऑलरेडी डाला हुआ है इसलिए कोशिश करें कम ही डालें, ज़्यादा ना हो। अब इसके अंदर डाल दें थोड़ा सा पानी, इतनी अच्छी चिकन मैंने इसमें से पहले ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि अभी हम थोड़ा सा इसके अंदर डाल रहे हैं। फिर जब ये पास्ता डालूंगी तो फिर थोड़ा और बाकी जो आप डालूंगी, स्पिनिच डालूंगी इसके अंदर, धनिया डालूंगी जो कि ये फ्रेश धनिया है, और साथ में पास्ता। अब साथ ही हम इसके अंदर कर देंगे अपना पास्ता, आप अपने जितनी भी ज़रूरत है आप उसके साथ जितनी सॉस है उसके साथ ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी मैंने इतना डालना है क्योंकि मेरी सॉस जितनी उसके हिसाब से, नहीं तो पास्ता बहुत ज़्यादा हो जाता है और सॉस कम रहता है। सॉस जितनी ज़्यादा हो और जितनी जूसी हो उतना ही मज़ा आता है।
सॉल्ट डालने हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं सॉल्ट अभी नहीं डाल रही क्योंकि बटर के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हो सकता है, और साथ में कैचअप डाल दूँ। सोया सॉस अपनी मर्जी, आप जितना मर्जी डालें, मुझे ज़्यादा पसंद है, घर में ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए ज़्यादा डाल दूँ। साथ में डाल दूँ सॉस, चिली सॉस, फिर चिली सॉस, इसके बाद और अच्छा टेस्ट आता है और जल्दी से झटपट तैयार हो जाती है। और इसके अंदर साथ में पालक काट के रखी हुई थी, मैंने पीस करके रखी हुई थी, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। साथ में डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया, आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली और हरा प्याज भी डाल सकते हैं। इसके अंदर चीज़ भी स्प्रेड करके डाल सकते हैं आप। हमारा पास्ता तैयार हो चुका है, अब हम इसके डाल देंगे चिकन, ये और साथ में थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए धनिया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। बिस्मिल्लाह, अब हम दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर डालूं मैं ऑयल, थोड़ा सा मैंने 1 teaspoon ऑलिव ऑयल लिया है, साथ ही मैं इसके डाल दूँ थोड़ा सा बटर। पोटैटोस के साथ, मैश पोटैटो के अंदर बटर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बच्चे और बड़े सभी लाइक करते हैं। ये देखिए ऑयल इसमें से डालते हैं इसके मक्खन के साथ ताकि जले ना। साथ ही इसके डाल दूंगे थोड़ी सी लेकिन पालक की वो और चिकन, ये पोटैटोस जो मैंने रखे हुए थे मैश करके थोड़े से वो डाल, बाकी मैं साइड पे कर दूँगी। अगर आप चाहें तो बच्चों को इसके अंदर बटर भी डाल के दे सकते हैं, एक्स्ट्रा कबाब बना सकते हैं आप। इसके अंदर ये साथ ही मुझे हल्की आँच से चूल्हा मैं बंद कर दूँगी, थोड़ा सा मैं इसके अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल दूँ मिल्क, मिल्क मैं आपको बताना भूल गई थी, अगर आप चाहें तो मिल्क की जगह क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। क्रीमी इसका आ जाता है टेक्सचर, बहुत मजा आता है, वो जो एक ड्राइनेस सी होती है वो खत्म हो जाती है इसके अंदर। ये देखिए ऐसे करके साथ में मैं इसके डाल दूंगी व्हाइट पेपर, अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर व्हाइट पेपर डाल रही हूँ। एंड दैट्स इट, अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। से हमारी दोनों रेसिपीज तैयार हो चुकी हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।